वेलकम बैक। दिस इज डे सिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ सीएसईटी। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम सीखेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ये एक ऐसी कंसेप्ट है जो हमने ऑब्वियसली पहले भी देखी है, लेकिन आज हम उसको देखेंगे थोड़ा इनडेप्थ। तो चलिए बात करते हैं नेशनल इनकम की और उसको लेके आगे बढ़ते हैं। सो पहला सवाल आता है, ये नेशनल इनकम होता क्या है? व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? तो सिंपल भाषा में कहा जाए तो इनकम ऑफ द नेशन, दैट इज हाउ वी कैन डिफाइन। चलिए गिव इट अ थॉट। वी ऑलवेज नो अबाउट द इनकम अर्नड बाय अवर पेरेंट्स, और मेनी टाइम्स वी डोंट नो आल्सो, वो भी मालूम नहीं होता कभी कभी। हैव यू एवर थॉट दैट द नेशनल इनकम, दैट इज इनकम ऑफ द नेशन, शुड ऑल्सो बी कैलकुलेटेड? एंड इफ इट इज सो देन हाउ इट विल बी डन? क्या नेशनल इनकम इनकम निकालना जरूरी है? आंसर इज येस। ओके, जरूरी है तो फिर ये कैसे निकलता है? नेशनल इनकम कैलकुलेशन होता कैसे है? चलिए आज वही तो हमें देखना है, तो स्टार्ट करते हैं। थीम ऑफ द टॉपिक, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू द नेशनल इनकम एंड द मेथड्स टू कैलकुलेट इट। द टॉपिक इंक्लूड द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, मेथड्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम एंड की कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड विद नेशनल इनकम। तो देखा जाए तो ये चैप्टर तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है। चलिए पहले देखते हैं नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम अगर बात की जाए तो तीन तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। नेशनल इनकम का इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो टोटल इनकम अर्न्ड बाय ऑल, आपने मैंने हम सभी ने हर एक कंपनी ने हर एक पार्टनरशिप फर्म ने हर एक फार्मर ने हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने हर एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय ने और उसके एम्प्लॉयर ने सबने जितना इनकम कमाया उस सबकी अगर आप टोटल करें दैट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। टोटल एक्सपेंस मेड बाय ऑल, देखिए किसी का इनकम मतलब किसी का एक्सपेंस होगा। अगर एक एम्प्लॉय कहता है कि मेरा 10 लाख रुपए पर एनम इनकम है तो उसी को उसका एम्प्लॉयर कहेगा मेरा 10 लाख रुपीज पर एनम एक्सपेंस है। तो सारे एक्सपेंसेस की अगर हम टोटल करते हैं तो भी वो नेशनल इनकम आना चाहिए। आइडियली इट शुड बी सेम, आइडियली होना चाहिए ऐसा मैंने बोला, क्योंकि एक्चुअली प्रैक्टिकली वो नहीं होता है। एंड लास्ट प्रोडक्शन, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएटेड। तो ये जो प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ गुड्स नहीं होता है सर्विसेज भी, इन सब की अगर वैल्यू टोटल करें, मतलब अगर आप बोलोगे कि लेट्स से पीपीए, लेट्स अज्यूम बाकी कोई खर्चा नहीं ऐसा हम अज्यूम करते हैं, तो पीपीए में सारे एजुकेटर्स ने लेट्स अज्यूम पर एनम 10 लाख रुपीज कमाए, तो ये हो गया इनकम मेथड। लेट्स से 5 फैकल्टीज है या 50 है, लेकिन 5 रखते हैं फिलहाल कैलकुलेशन के लिए। सो 10 लाख × 5 50 लाख इज द नेशनल इनकम। एज्यूम कीजिए सारे देश में सिर्फ यही 5 लोग हैं। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स को मैंने अगर पूछा कि आपने कितनी फीस दी है, और एज्यूम करते कि जितनी फीस आई उतनी मैंने सारे एजुकेटर्स को दे दी, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, तो फिर आपने कहा कि सबकी टोटल मैंने एक्सपेंसेस की तो वो भी आता है 50 लाख। और अगर मैं पीपीए से पूछूं कि आपने कितने वैल्यू की सर्विसेज जनरेट की तो पीपीए कहेगा 50 लाख, क्योंकि उतना उनको कलेक्शन हुआ है। So by all the means, by all the methods, ideally the national income must be a same amount. So I repeat, income, national income can be calculated by income point of view, expense point of view, or by production point of view also. अब कैसे? चलिए इसको एक-एक देखते हैं. National income, income basis पे. Here national income is the sum amount received by the providers of factors of production. जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यहाँ पे इनकम 4 लोगों में डिवाइड किया जाता है जिसमें हम सभी लोग आते हैं। जैसे कि पहला वेजेस अर्न्ड बाय वर्कर्स। अब आप कहोगे सर ये तो फिर प्रोडक्शन हुआ, ऐसे कुछ नहीं। वर्कर्स का यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर ऑल्सो, मतलब एजुकेटर्स को जो पैसा मिला दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड बाय दिस। सो फर्स्ट इनकम अर्न्ड बाय एवरीवन, वर्कर हो या सर्विस प्रोवाइडर, वेजेस प्लस रेंट रिसीव्ड बाय प्रीमाइस ओनर। हम जो जगह रेंट पे लेते हैं और उसको जो देते हैं, दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो जगह हम यूज करते हैं, जो मशीन हम यूज करते हैं, अगर वो हमने ओन नहीं की है, खरीदी नहीं है, तो रेंट देना पड़ता है। सो दैट इज सेकंड इनकम। इंटरेस्ट अर्न्ड बाय इन्वेस्टर, अगर आप ये मशीन ये जगह सब आप खुद खरीदते हो तो लोन लेना पड़ता है, उसमें से जो इंटरेस्ट आपने दिया उस लोन पे, दैट इज ऑल्सो वन इनकम। एंड फाइनली प्रॉफिट अर्न्ड बाय द ओनर, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो ये चारों मिला के जो इनकम है हमारे पूरे देश का, उसके अगर आप टोटल करें तो नेशनल इनकम बन जाता है। इसमें क्या ऐड नहीं करना है? फर्स्ट, ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक गिफ्ट। अगर किसी ने गिफ्ट दिया किसी को तो वो इनकम में नहीं आएगा। इलीगल इनकम, अगर कोई स्मगलिंग कर रहा है, कोई ब्राउन शुगर बेच रहा है, ऐसी कुछ चीजें कर रहा है जो कि बैंड है, तो उसमें से जो इनकम आएगा दैट इज ऑल्सो नॉट एडेड एज नेशनल इनकम।
विंडफॉल गेन्स लाइक लॉटरी गेन, अचानक से किसी को लॉटरी लग गई, पैसा मिला, दैट इज नॉट अ रेगुलर इनकम, वो इसमें नहीं आएगा. एंड रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, इट्स अ कैपिटल रिसीट, इट इज नॉट अ रेवेन्यू, कभी कभार ही एसेट बेची जाती है. सो दीज फोर हेडिंग्स विल नॉट बी एडेड अंडर द हेडिंग ऑफ इनकम. तो इनकम में क्या आएगा, वेजेस अर्न बाय ऑल प्लस रेंट अर्न बाय प्रीमाइस ओनर प्लस इंटरेस्ट अर्न बाय इन्वेस्टर्स प्लस प्रॉफिट अर्न बाय द ओनर, इन चारों को छोड़ के. तो ये हो जाएगा आपका नेशनल इनकम बेस्ड ऑन द इनकम फॉर्मेट. ओके, तो अभी नेशनल इनकम का एक एंगल हमने देखा, अब देखते हैं अगला एंगल, नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू. एक्सपेंडिचर, जैसा मैंने कहा, इनकम ऑफ वन पर्सन इज एन एक्सपेंस ऑफ द अदर पर्सन. तो अगर हम सारे एक्सपेंसेस की टोटल करते हैं तो भी हमें वही इनकम मिलना चाहिए. देखते हैं, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ अमाउंट पेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी. हम सब लोग जो पैसा खर्च करते हैं उसकी टोटल. तो इसका फॉर्मूला है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. सी क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंस. देखिए आप इंडिविजुअल सोचिए कि आप क्या क्या करते हो. पहले आप कंजम्पशन करते हो, कभी आप मार्केट में जाते हो, शूज लेते हो, कभी टी शर्ट्स लेते हो, जो भी आपको कंज्यूमेबल्स लगते हैं या जो भी आप उस पर खर्चा करते हो, वो सारा कंजम्पशन मेड बाय एन इंडिविजुअल, फैमिली एक्सेट्रा. सेकेंड, इन्वेस्टमेंट्स, जो प्रोड्यूसर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है या ओनर ऑफ सर्विस कंपनी, सर्विस गिविंग कंपनी होता है, उनको एसेट्स लेनी पड़ती है तो उसमें पैसा अटकता है, तो पेमेंट फॉर न्यू मशीन स्टॉक एक्सेट्रा, ये एक्सपेंस हुआ. थर्ड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्टाफ को देना पड़ता है खर्चा, मतलब सैलरी, गवर्नमेंट की जो अलग अलग स्कीम्स चलती है उसके अंडर पेमेंट करना पड़ता है, जैसे मनरेगा, जो जिसके अंडर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, रास्ते बनाओ एंड ऑल दैट. तो ये सारी चीजों पे जो खर्चा होता है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली जिनको मिलता है उनका इनकम हुआ. एंड नेट एक्सपोर्ट्स, इंडिया से एक्सपोर्ट्स कितने हुए, उतने आपके पास फॉरेन करेंसी आई, माइनस इंपोर्ट के लिए कितनी फॉरेन करेंसी पे हुई. तो इन चारों की जब टोटल हो जाती है, इसको कहते हैं नेशनल इनकम बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर. सी मतलब कंजम्पशन बाय ऑल, आई मतलब इन्वेस्टमेंट्स इन मशीन स्टॉक, दैट इज प्रोड्यूसर्स गुड्स जिसको हम कहते हैं, जी मतलब गवर्नमेंट का खर्चा, एंड एक्स माइनस एम, एक्स मतलब एक्सपोर्ट्स, एम मतलब इम्पोर्ट्स, इसका नेट इफेक्ट, नेट एक्सपोर्ट्स. तो चारों जब एक साथ आते हैं तो नेशनल इनकम बनता है एक्सपेंडिचर के बेस पे. इसमें क्या ऐड नहीं होता, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, क्योंकि उसका डबल सेल हो रहा है ना, पहले बार तो हुआ था, लेकिन अगर सेकंड हैंड गुड्स बेचने के लिए किसी ने आपको मदद की और उसको कमीशन मिला तो वो इनकम में आएगा, राइट. तो वो सेकंड हैंड गुड्स का पैसा यहाँ पे नहीं होगा. पेमेंट मेड फॉर शेयर्स एंड बॉन्ड्स इन सेकेंडरी मार्केट, अगेन मार्केट दो होते हैं, शेयर मार्केट, प्राइमरी मार्केट जिसको हम आईपीओ कहते हैं, और फिर से वो रीसेल होते रहते हैं, अजय विजय को बेचता है, विजय संजय को बेचता है, तो ये सारे जो होते हैं इसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, जो शेयर मार्केट हम कहते हैं, तो वो नहीं होगा. एंड ट्रांसफर पेमेंट्स मेड बाय गवर्नमेंट लाइक पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये एक्चुअली इनकम है ही नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट इज नॉट सपोज टू पे एनीथिंग टू देम बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग, बट गवर्नमेंट हैज कमिटेड कि आपके रिटायरमेंट के बाद भी हम आपको पैसे देने वाले हैं. सो ये सारी चीजें एक्सपेंडिचर बेस पे नहीं होगा. सो एक्सपेंडिचर में हमें चार हेडिंग याद रखने हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स में. ओके, तो अभी ये दो हेडिंग्स तो हो गए, अब जाते हैं थर्ड हेडिंग की तरफ, नेशनल इनकम फ्रॉम प्रोडक्ट बेस या प्रोडक्शन बेसिस. नेशनल इनकम इज द सम ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सेक्टर्स इन वन ईयर. अलग अलग सेक्टर्स में अगर आप देश को डिवाइड करते हो, देश को डिवाइड करते हो मतलब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या क्या सेक्टर्स बन सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन. इन सात हेडिंग्स पे जो खर्चा होता है या इन सात हेडिंग्स में से जो प्रोडक्शन मिलता है, इट कैन बी प्रोडक्शन और इट कैन बी सर्विसेज, उसकी जो वैल्यू है अगर आप उसकी सम टोटल करें तो दैट इज नेशनल इनकम. मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से कितना प्रोड्यूस मिला, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो मैन्युफैक्चर हुआ उसका वैल्यू कितना था, कंस्ट्रक्शन साल भर में हमारे देश में कितना हुआ उसका वैल्यूएशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग ने कितना सर्विस दिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस मतलब गवर्नमेंट को जो खर्चा करना पड़ता है वो, एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे कितना खर्चा हुआ, इन सब का या उनने कितने वैल्यू की सर्विसेज दी, इन सब की अगर आप टोटल करते हो दैट इज अगेन कॉल्ड एज नेशनल इनकम. यहाँ पे क्या ऐड नहीं करना है, प्रोड्यूस गुड्स विच आर यूज इन द फाइनल प्रोडक्ट. मतलब अगर आप एक ट्यूब का चोक बनाते हो और वो ट्यूब फिर से, वो चोक एक ट्यूब में फिट होता है, फिर से ट्यूब एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, तो आप चोक को एज अ प्रोडक्शन मत पकड़िए, क्योंकि ट्यूब के वैल्यू में भी उसकी वैल्यू ऐड होने ही वाली है. इट्स अ प्रोड्यूस्ड गुड्स. मतलब अगर लेट्स से अक्षय चोक बनाता है तो उसके लिए ये फिनिश गुड्स है,
लेकिन अक्षय वो सुजय को देता है, सुजय उसको ट्यूब में फिट करके ट्यूब फिनिश गुड्स बनती है, तो ट्यूब इज द फाइनल फिनिश गुड्स। तो भले वो प्रोड्यूस्ड गुड्स है, चोक वॉज फाइनली प्रोड्यूस्ड बाय अक्षय, बट स्टिल इट विल नॉट बी एडेड, क्योंकि वो ट्यूब के वैल्यू में एड हो रहा है, अदरवाइज ट्यूब के वैल्यू में उसको ना पकड़े। ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि वो लास्ट ईयर का प्रोडक्शन था जो हम इस साल यूज कर रहे हैं, तो वो एड नहीं होगा। स्टॉक वैल्यू एप्रिसिएशन, अगर मार्केट वैल्यू में चेंज होने की वजह से स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, वो नहीं होगा। एंड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो प्रोडक्शन आप खुद के लिए करते हो, जिसको कैप्टिव कंजम्पशन भी कहते हैं, तो उसकी वैल्यू भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी। यू शुड गेट सम कंसिडरेशन, लॉ की भाषा में कहा जाए तो यू डोंट गेट एनी कंसिडरेशन, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज द प्रोडक्शन, इट विल नॉट बी एडेड इन नेशनल इनकम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नेशनल इनकम बाय प्रोडक्शन बेसिस। आपको ये सात सेक्टर्स ने जो भी सर्विसेस और गुड्स क्रिएट की है, उसकी वैल्यू की अगर आप टोटल करते हो, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। ओके, अब अगला सवाल आता है कि ये तो हो गया सर, लेकिन इसको वैल्यूएशन एक्सप्रेस कैसे करेंगे? मतलब देखिए, अगर सर किसी का वेट एक्सप्रेस करना है, तो हम कैसे कहते हैं कि मेरा वेट पहले 75 kg था, अब मेरा वेट 70 kg हो गया, तो मेरा 5 kg वेट मैंने कम किया। या किसी का वेट कम था, वो कहता है मेरा वेट पहले लेट्स से 32 kg था, अब मैंने गेन किया वेट, मुझे बहुत जरूरत थी वेट गेन करने की, अब मेरा वेट 42 kg हो गया। तो कुछ तो बेस होना चाहिए। कैसे पता चलेगा हमारा देश जो नेशनल इनकम कमा रहा है वो बढ़ रहा है कम हो रहा है? हाउ टू मेक द वैल्यूएशन, तो इसके लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी सीखनी होगी। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटिंग टू नेशनल इनकम। कौन सी कंसेप्ट हम देखेंगे? पहले हम देखेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, रियल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ऐसे 12 अलग अलग कंसेप्ट हम देखेंगे। क्या है ये कंसेप्ट, चलिए वन बाय वन इसको एनालाइज करते हैं। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, आई रिपीट, जीडीपी का लॉन्ग फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या प्रोडक्ट। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज गिवन ड्यूरिंग दिस ईयर, इस साल में कितने गुड्स का वैल्यूएशन हुआ, कितने वैल्यू के गुड्स तैयार हुए और कितने वैल्यू की सर्विसेज आपने दी। इट इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट पेड फॉर प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, उसको कहते हैं ना जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए, लेट्स से आप एक पेन बनाते हो और उसको मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, ओवरहेड्स लगता है, फिर आप रेंट देते हो, मालिक का प्रॉफिट भी कॉस्ट ही पकड़ा जाता है, ये सब मिला के वो पेन आपको 40 rupees में जाता है और आप वो बेचते हो 60 में। क्यों? क्योंकि सर 40 में 10 rupees गवर्नमेंट के टैक्सेस ऐड हो जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और फिर लेट्स से 20 rupees टैक्सेस ऐड हो गए, या 25 rupees इनडायरेक्ट टैक्स था, 5 rupees गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी। सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट का हेल्प, गवर्नमेंट कहती है अगर आप इतना एक्सपोर्ट करोगे तो हम आपको इतना परसेंटेज हेल्प करेंगे। तो सोचिए 40 rupees में आपने उसको बनाया, उसमें 25 rupees इनडायरेक्ट टैक्सेस लेट्स से जीएसटी ऐड हुआ और 5 rupees सब्सिडी लेस हुआ, तो नेट 60 हो गया। तो ये जो 40 rupees में आपने बनाया ना, इसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, और जो 60 rupees है ना, उसको कहते हैं मार्केट प्राइस। तो इट इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट पेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, आई एम सॉरी। एंड क्या इसमें प्रॉफिट एडेड है? यस, इट इज एडेड एज द कॉस्ट पेड टू द ओनर, बट द टैक्सेस एंड सब्सिडीज आर इग्नोर्ड। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब कितना आपका एक्चुअल खर्चा हुआ, उसमें सब कुछ आया, मैन दैट इज उनको जो वेजेस दिए हमने वर्कर्स को, उसके बाद मटेरियल कॉस्ट, उसके बाद जिसने पैसा दिया उसको इंटरेस्ट दिया, रेंट दिया, और ओनर का प्रॉफिट भी। तो ये सब ऐड करके आपको वो पेन जा रहा है 40 rupees में, तो ये 40 rupees इज कॉल्ड एज फैक्टर कॉस्ट। तो हमारे देश में अगर 40,000 million rupees का प्रोडक्शन हुआ है, जिसमें की सारी कॉस्ट इंक्लूडिंग प्रॉफिट एडेड है, लेकिन गवर्नमेंट टैक्सेस अभी तक नहीं देखे, उसको कहते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इग्नोरिंग गवर्नमेंट टैक्सेस एंड सब्सिडी, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट बट इंक्लूडिंग प्रॉफिट जो वैल्यूएशन होगा, दैट इज कॉल्ड एज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये था आपका जीडीपी। ओके, तो ये था आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जैसा मैंने कहा कि फैक्टर कॉस्ट में प्रॉफिट एडेड था, जनरली कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस मतलब प्रॉफिट माना जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉस्ट में प्रॉफिट ऑलरेडी एडेड है, अब रहा है सिर्फ गवर्नमेंट वाला वैल्यू। जैसा मैंने कहा 40 rupees प्रोडक्शन कॉस्ट है, एड 25 rupees आपका जीएसटी हो गया 65, माइनस 5 rupees गवर्नमेंट सब्सिडी रिसीव्ड, तो 60, दिस इज कॉल्ड एज जीडीपी एट मार्केट प्राइस।
इट मींस द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर. इट इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस टू बी पेड बाय कंज्यूमर पेड टू द सेलर. इज द प्रॉफिट एडेड? यस, इट इज एडेड ऑलरेडी एज द कॉस्ट. Just that subsidy and added taxes are also considered. I repeat, 40 rupees cost plus GST 25 minus subsidy 5, 60 rupees is called as GDP at market price, the price at which the goods are available in the market after considering the tax and subsidy effect is called as GDP at market price. तो हमने दो कंसेप्ट देखी, GDP at cost, GDP at market price. तो अभी आगे बढ़ते हैं. हाँ, पहले एक बार देख लेते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होगा. फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूडिंग प्रॉफिट एड इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी माइनस सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने अगर 5 रुपए आपको गवर्नमेंट बेनिफिट दिया तो वो पकड़. नाउ जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. अब ये जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन या प्रोडक्ट. ये क्या है भाई? इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेस, गुड्स एंड सर्विसेस इंक्लूडिंग इंडिया एंड फ्रॉम अब्रॉड. अभी तक हमने जो देखा ना जीडीपी, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, इंडिया के बाउंड्रीज में जो हो रहा है. लेकिन सर हमें ये नहीं समझ में आया कि अगर हमारा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्लाइंट है जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाता है लेकिन सारी सर्विस यूएस को, यूके को, यूरोप को देता है तो उसका क्या? तो वो जीडीपी में नहीं था क्योंकि इट वॉज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया. तो डी मतलब डोमेस्टिक, बाउंड्रीज में. उसमें जब आप एक इंटरनेशनल इनकम दैट इज इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हो ना तो आता है जीएनपी. तो इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज गिवन इन इंडिया प्लस फ्रॉम अब्रॉड. इट इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर. उसमें टैक्सेस नहीं होता बट एक्सक्लूडिंग द टैक्सेस. ये देखिए, यस प्रॉफिट इज एडेड बट द टैक्सेस एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज एक्सक्लूडेड. तो क्या फर्क है यहाँ पे जीडीपी और जीएनपी में? जीडीपी में विदिन बाउंड्रीज ऑफ इंडिया जो है वो पकड़ा जाएगा, जीएनपी में नेट एक्सपोर्ट भी पकड़ा जाएगा. सो दैट इज जीएनपी. तो व्हाट वी कैन से, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होना चाहिए, ये मैं चेंज कर लूंगा, इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट लेस और एड नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. मतलब इंडिया में कितना प्रोडक्शन हुआ और अब्रॉड से हमें नेट कितना इनकम मिला. सो आई रिपीट, जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल इनकम. हमारे देश ने कितना कमाया, देश में नहीं कहीं से भी. सो जीडीपी में जब इनकम फ्रॉम अब्रॉड एड या लेस हो जाएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बन जाएगा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. तो हमने क्या देखा, जीएनपी का मतलब जब हमारे बाउंड्रीज क्रॉस करके बाहर वाला इनकम भी हम लेते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस ऑब्लिक माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अब आप बोलोगे सर ये नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट. तो एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ तो ये पॉजिटिव नंबर रहेगा, एक्सपोर्ट कम हुआ, इंपोर्ट ज्यादा हुआ तो ये नंबर नेगेटिव भी हो सकता है. सो दिस इज जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. इंडिया में और अब्रॉड क्या प्रोडक्शन या सर्विस हुआ उसको टैक्सेस छोड़ के. ऑब्वियसली नेक्स्ट कंसेप्ट मस्ट बी जीएनपी एट मार्केट प्राइस. इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस विद इन इंडिया प्लस फ्रॉम अब्रॉड. इट इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस दैट इज आपका टोटल कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस गवर्नमेंट सब्सिडी. प्रॉफिट, यस इट इज ऑलरेडी एडेड. तो आप कह सकते हो जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब कॉस्ट पे एड इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट. सो रिपीट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस मतलब फैक्टर कॉस्ट पे जीएनपी एड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड माइनस सब्सिडी रिसीव. सो दिस इज जीएनपी एट मार्केट प्राइस गवर्नमेंट टैक्सेस कंसिडर करने के बाद. ओके, तो हमने अभी तक जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस यहाँ पे देखो. अब हम आगे बढ़ेंगे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. अब ये क्या है भाई, देखिए आपने इस टोटल इसमें डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं किया क्योंकि आपने एक्चुअल कॉस्ट पेड लिया था, डेप्रिसिएशन तो कंसिडर ही नहीं हुआ, उसको नॉन कैश एक्सपेंस कहते हैं. सर उसको नॉन कैश एक्सपेंस क्यों कहते हैं? लेकिन क्योंकि डेप्रिसिएशन में आप कोई भी कैश पेमेंट नहीं करते, आप मशीन एक बार ही लेते हो और हर साल उसको पीएनएल डेबिट में डालते रहते हो उसका पार्ट. मतलब 10 लाख का मशीन लिया तो 1 लाख रुपए हर साल पीएनएल डेबिट, सो दैट इज नॉट एक्चुअल कैश एक्सपेंस एवरी ईयर. तो वो कंसीडर नहीं हुआ था, तो वो जब कंसीडर होता है तो वो जीएनपी का हो जाता है एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सभी कुछ है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन इंडिया एंड अब्रॉड, वैल्यूड एट मार्केट प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर माइनस डेप्रिसिएशन इफेक्ट. वो डेप्रिसिएशन हम लेना भूल गए थे. प्रॉफिट इज ऑलरेडी एडेड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सो एनएनपी
एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। आपने डिप्रिसिएशन लेस कर दिया जीएनपी से, तो जी दैट इज ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन गया तो बन जाता है नेट। सो नेक्स्ट कंसेप्ट आती है ऑब्वियसली एनएनपी एट मार्केट प्राइस। जब हमने एनडीपी लिया था दैट इज सॉरी एनएनपी लिया था एट फैक्टर कॉस्ट, तो यहाँ पे हमने टैक्सेस कंसिडर नहीं किए थे और सब्सिडी, वो कंसिडर कर लिया तो आ जाएगी मार्केट प्राइस। सो अगेन इट इज गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन इंडिया एंड अब्रॉड, इसमें हम डिप्रिसिएशन लेस करते हैं, प्रॉफिट इज ऑलरेडी एडेड, जस्ट दैट हम गवर्नमेंट टैक्सेस एड करते हैं और गवर्नमेंट सब्सिडी लेस करते हैं। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब पहले हमने जीएनपी लिया फैक्टर कॉस्ट, फिर उसमें से डिप्रिसिएशन गया तो आया एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। लास्ट वाला पॉइंट जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन, ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन गया कि नेट, सो नेट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और फिर उसमें टैक्सेस ऐड किया और सब्सिडी लेस किया, तो ये बन गया एनएनपी एट मार्केट प्राइस। सो आपके लिए हमने छह अलग अलग कंसेप्ट लिए हैं अभी तक, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, ऐसी सिक्स कंसेप्ट हमने अभी तक देखी। ओके, तो ये सिक्स कंसेप्ट देखने के बाद हम अभी छोटी छोटी कंसेप्ट देख रहे हैं। डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम, अभी डोमेस्टिक जैसा मैंने अभी अभी आपको कहा, डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। सो इट्स अ इनकम अर्न विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, इट डज नॉट इंक्लूड इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट इंक्लूड वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड, ऑल मिक्स इनकम्स। मिक्स मतलब जो मल्टीपल इनकम होते हैं, जो सैलरी वाला शाम को बिजनेस भी करता है तो दोनों इनकम मिक्स इनकम, एंड ऑल टाइप्स ऑफ इनकम अर्न विद इन द इंडिया, टाइप्स ऑल टाइप्स ऑफ इनकम विद इन इंडिया। सो डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल इनकम में अब्रॉड का इनकम भी आता है, लेकिन अगर आपको डोमेस्टिक चाहिए तो अब्रॉड का इनकम हटा दो, इट विल बी डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब विद इन बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। प्राइवेट इनकम, इट्स अ इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द ट्रांसफर पेमेंट, लाइक किसी ने किसी को गिफ्ट दिया। सो प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि नेशनल इनकम में हम ट्रांसफर पेमेंट नहीं लेते हैं, प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, मतलब पब्लिक से जो लोन लिया जाता है उस पे जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है, माइनस सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंसेस, जो सोशल सिक्योरिटी के लिए लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा होता है वो पकड़ना नहीं है, माइनस प्रॉफिट एंड सरप्लस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, जिसको रिजर्व्स एंड सरप्लस कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये भी प्राइवेट इनकम में नहीं आता। मतलब मैंने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं, ओके, उस कंपनी ने 50 लाख रुपीज डिविडेंड दिया तो वो यहाँ पे आएगा, लेकिन 50 लाख रुपीज साइड में रख दिया रिजर्व्स एंड सरप्लस तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। सो प्राइवेट इनकम मतलब नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट ऐड करो, पब्लिक डिपॉजिट पे जो गवर्नमेंट को इनकम मिलता है वो ऐड करो, सोशल सिक्योरिटीज पे जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, मतलब जैसे अभी ये फ्री में वैक्सीन दिया, इट्स एन एक्सपेंस फॉर गवर्नमेंट, वो लेस कर दो, वो मतलब माइनस प्रॉफिट दैट इज रिटेन्ड अर्निंग, जिसको हम कहते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब दैट इज प्राइवेट इनकम, जो प्राइवेट आदमी के हाथ में, किसी इंडिविजुअल के हाथ में आता है, दैट इज प्राइवेट इनकम। पर्सनल इनकम, इट इज द प्राइवेट इनकम एक्सक्लूडिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनीज। तो ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनीज है उसको अगर आप हटा देते हो सिर्फ, तो मिल जाता है आपका पर्सनल इनकम। सो प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब रिजर्व सरप्लस और उसपे जो टैक्सेस है वो अगर आप लेस करते हो उसमें से, तो आपको मिलेगा पर्सनल इनकम। सॉरी रिपीट, बहुत ज्यादा नहीं है, थिन लेयर है दोनों में। प्राइवेट इनकम में से जब आप कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट जो नहीं किया प्रॉफिट और उसपे जो टैक्सेस, उसको डीडीटी कहते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो लेस करते हो तो पर्सनल इनकम बन गया। डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोज करना मतलब खर्चा करना। अगर आपके भाई बहन मॉम डैड कोई अगर जॉब करते हैं प्राइवेट कंपनी में, तो आप उनको पूछे आपकी सैलरी कितनी है, वो बोलेंगे 12 लाख रुपीज, तो आप बोलेंगे मजे यार तेरे 1 लाख रुपए तुझे हाथ में मिल जाते हैं, बोलते नहीं रे बॉस वो तो दिखाने वाली सैलरी है, मेरे हाथ में फाइनली 45,000 या 55,000 ही आते हैं। तो आप बोलते हो मतलब इतने 45,000 कंपनी खा गई, खा नहीं गई, उसमें से टीडीएस होता है, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कट हो जाता है, कुछ पीएफ को ट्रांसफर होता है, तो फाइनली उसके हाथ में जो इनकम आता है दैट इज डिस्पोजेबल, वो खर्चा करने के लिए अवेलेबल। इट इज द एक्चुअल इनकम ऑफ अ पर्सन अवेलेबल इन हिज और हर हैंड्स फॉर द एक्चुअल एक्सपेंस। डिस्पोजेबल इनकम मतलब इनकम ऑफ द पर्सन फॉर द ईयर माइनस डायरेक्ट टैक्सेस डिडक्टेड फ्रॉम इट, मतलब टीडीएस। दिस इनकम इज यूज्ड फॉर आइदर कंजम्पशन और सेविंग, या इसमें से हम क्या करेंगे, या तो पैसा खर्च करेंगे या तो एफडी कर देंगे। सो डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंस प्लस सेविंग। आप इस तरीके से भी उसको एड कर सकते हो,
इस हमारे देश में कितने रुपीज का कंजम्पशन हुआ प्लस कितने रुपीज का सेविंग हुआ, दोनों को कंबाइन करो, यू विल गेट डिस्पोजेबल इनकम। या किसी आपके भाई ने कहा कि इस महीने में मैंने 60,000 का कंजम्पशन किया, उड़ा दिया पैसे, और 20 का एक एफडी कर दिया, तो 80,000 इज डिस्पोजेबल इनकम। सिंपल रियल इनकम। देखिए इन्फ्लेशन भी तो मैटर करता है, मतलब 10 साल पहले मुझे 10 लाख सैलरी थी और आज मुझे 11 लाख सैलरी है, तो अच्छा है। कोई कहेगा हाँ 1 लाख रुपए बढ़ गई ना, लेकिन इन्फ्लेशन का क्या, वो भी तो देखो। इट इज द नेशनल इनकम एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस ईयर प्राइस, मतलब इट इज डन ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस जनरली कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। इट हेल्प्स अस टू कंपेयर इनकम ऑफ टू डिफरेंट ईयर्स। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हियर द इंडेक्स नंबर्स आर यूज्ड व्हिच आर इशूड बाय गवर्नमेंट एवरी ईयर। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैं प्राइम मिनिस्टर था 2001-2002 में, आई विश मैं बनूं, और तब का नेशनल इनकम था 500 बिलियन रुपीज, और आज आप प्राइम मिनिस्टर हो और आपने कहा हमारा इनकम तो देखो 2021 में 600 बिलियन है, तो 20% ज्यादा है आपसे, 100 बिलियन से ज्यादा है। मैंने कहा लेकिन ठीक है ना, तब के रेट्स और आज के रेट भी तो चेक करो। तो अपेरेंटली वी कैन से दैट द इनकम इंक्रीज्ड बाय 100 बिलियन, बट इज इट सो, लेट्स चेक। दीज टू नंबर्स आर कॉल्ड एज नेशनल इनकम अमाउंट्स। ये उस साल का नेशनल इनकम था, ये इस साल का है। इफ द इंडेक्स नंबर ऑफ 2001-2 इज से 120 एंड नाउ इट इज 280, ये क्या है सर, ये गवर्नमेंट ने दिया हुआ इंडेक्स नंबर। आप ऐसा कह सकते हो उस टाइम पे अगर 10 किलो शक्कर 120 रुपीज में मिलती थी तो आज वही 10 केजी शुगर 280 रुपीज में मिलती है, तो इसको इंडेक्स नंबर आप कह सकते हो, मतलब इंडेक्स ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे महंगाई बढ़ी उसका नंबर। तो मैं कहूंगा देखिए, तो आपको प्रोपोर्शनेटली एक लेवल पे लाना पड़ेगा। सो नेशनल इनकम, सॉरी नॉमिनल लिया मैंने, उसको नॉमिनल भी कहते हैं, जो प्योर अमाउंट दिखते हैं उसको नॉमिनल कहते हैं, करेक्ट। नॉमिनल इनकम ऑफ 2021 मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ 2001-2 डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ 2021, मतलब मैं आज का जो इनकम है वो कंपेयर करूंगा उस साल से। सो 600 बिलियन है आज का, और आज का इंडेक्स नंबर 280 है, मल्टीप्लाइड बाय 120 उस साल का इनकम इंडेक्स नंबर, तो उस साल के मतलब 2021 का इनकम अगर 2001-2 के इनकम पे लेवल पे लेके जाए तो वह है 257.14, और जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मेरा इनकम था 500 बिलियन, उसी को आपके आपको कन्वर्ट किया आज के मतलब 2001-2 में, तो वो 257 ही हुआ। तो देर इज अ रिडक्शन ऑफ नेशनल इनकम, तो इसको कहते हैं रियल इनकम। या फिर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर मैंने आज आपको 10 लाख रुपए दिए या आपने मुझे दिए और 10 साल बाद मैंने आपको 10 लाख वापस दे दिए, तो आप बोलोगे सर ये दिखने में 10 लाख है लेकिन इसकी परचेसिंग पावर हार्डली 3 लाख बाकी है अभी, क्योंकि 10 साल बाद हो गया ना, इसको कहते हैं नॉमिनल इनकम। तो आपका 2021 का इनकम भले 600 था, जब हमने उसको फॉर्मूला लगाया, व्हाट वाज द फॉर्मूला, फॉर्मूला था नॉमिनल इनकम मतलब दिखने वाला इनकम ऑफ 2021 डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ 2021 मल्टीप्लाइड बाय जिस साल में आपको जाना है इंडेक्स नंबर ऑफ 2001-2, तो वो कंपैरिजन के लिए रेडी हो गया। तो 2001-2 में जो 500 बिलियन था और आज का आपका 600 बिलियन उसके कन्वर्ट कर दिया उस लेवल पे, तो 257, सो देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 242.85। तो ये जो हमने उसको कन्वर्ट किया, दिस इज कॉल्ड एज रियल इनकम। दिखने में 100 की नोट है, अभी मेरे पास पुरानी वाली 500 की एक नोट है, नॉमिनल इनकम, लेकिन उससे अभी कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो, वो तो डिबार हो गई, तो दैट इज रियल इनकम। सो ये फर्क है रियल इनकम और नॉमिनल इनकम। एंड लास्ट कंसेप्ट, पर कैपिटा इनकम। देखिए एक घर की, घर में जो कमाते हैं उनकी सैलरी 5 लाख रुपए है पर एनम, खाने वाले लोग 5 है तो 1 लाख, दूसरे वाले जो है वो 10 लाख रुपए कमाते हैं लेकिन खाने वाले लोग फुल ज्वाइंट फैमिली है 40 लोग है, तो फिर पर पर्सन हार्डली 25,000 आया, तो इसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम, हर पर्सन के लिए अवेलेबल इनकम। नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, और अगर हम उसको इंडेक्सेशन करते हैं तो रियल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो रियल पर कैपिटा इनकम आएगा। सो पर कैपिटा इनकम मतलब टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इट हेल्प्स टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो, कि हमारा पर कैपिटा इनकम वर्सेस यूएस का, यूके का कितना है ये, या हमारा पहले पर कैपिटा इनकम कितना था वर्सेस अभी कितना है, ये भी आप कंपेयर कर सकते हो। सो ये सारी कंसेप्ट हमने आज देखी, इतना सारा पार्ट हमने आज के सेशन में देखा है। सो इन दिस वे वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस कंसेप्ट, कि इतनी सारी कंसेप्ट देखने के बाद हम आ सकते हैं और कह सकते हैं कि यस दिस इज अ प्रॉपर एंड ऑफ द नेशनल इनकम गिवन इन योर पोर्शन ऑफ सी एस ई टी इकोनॉमिक्स। थैंक यू।